नमो नारायण श्रद्धालु, मैं हूँ स्वामी ब्रह्मांडपुरी महामंडलेश्वर अरविंदाचार्य। आज भक्तों के विशेष आग्रह के बाद पुनः उपस्थित हुआ एक नई जानकारी के साथ। आज का विषय है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में इसे साकर की भी बीमारी कहते हैं। इसका नाम जितना सुंदर और मीठा है, इसके काम उससे कई गुना बुरे होते हैं। शुगर कितना मीठा नाम है, शुगर की मीनिंग स्वीट सी होती है। दोनों जगह जब ज़्यादा मिठास आ जाए ना, तो गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो जीवन में वाक्य शैली हो, शब्द संरचना हो, व्यवहार हो, या खान पान में मिठास ज़्यादा आ जाए। वेदांत ने कहा है कि आप गुड़ से ज़्यादा मीठे मत बना करिए, नहीं कीड़े पड़ने में देर नहीं लगती, और नीम से कड़वे भी मत बना करिए, नहीं तो दूरियां बनने में भी देर नहीं लगती। अस्तु, ज़्यादा मीठा बोलने वाला आदमी हमेशा शत्रु बन जाता है, चापलूसी करता है, झूठी तारीफ आपकी हमेशा वही करेगा जिससे आपसे स्वार्थ होगा, और जिससे स्वार्थ नहीं हो आपकी चापलूसी क्यों करेगा। सन्यासी हूँ, सांसारिक वृत्ति की बात है, सन्यासी जुबान से कड़वा हो सकता है पर हृदय से कभी कड़वा नहीं होता, निश्चल निष्कपट होता है। और संसारी के जुबान पे मिठास होती है, लेकिन अंदर एक कपट की गांठ जरूर रहेगी, क्योंकि वो स्वार्थ है। इसलिए वेदांत ने कहा है कि संसारियों की व्यथा और परमात्मा की कथा, दोनों का अंत नहीं जब तक वो स्वयं ना चाहे। हम बात करते हैं बीमारी की, शुगर की। शुगर क्या है, कैसे होता है, शुगर किस में पाया जाता है, हम इससे मुक्ति कैसे पाएंगे, और क्या है इस बीमारियों के साइड इफेक्ट, हमें क्या क्या होती है क्षति। विषय वही, चिंता चिंतन। शुगर हो गया, चिंता इस विषय पे कि हुआ क्यों, और चिंतन इस विषय पे कि इस रोग से मुक्ति कैसे मिले। शुगर कभी अकेला नहीं आता है। अगर आपको देखना है तो जो शक्कर आप खाते हैं, जो शुगर आप खाते हैं, उससे ज़्यादा शुगर वीट में है, यानी गेहूं में, बाजरे में शुगर है, आलू में शुगर है, चावल में शुगर है, हमारे हर खाद्य पदार्थ अन्न में इनके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। शुगर होता कैसे है, जब हमारा मल पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता है, बद्ध कोष्ठिता हो जाती है, मल सूख करके हमारी आंतों में चिपक जाता है, हमारा पेनक्रियाज डिस्टर्ब होता है। पेनक्रियाज डिस्टर्ब होते ही हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होने लगता है, और धीरे धीरे वो शुगर के स्वरूप में हो जाता है। शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट, शुगर सबसे पहले पुरुष की यौन शक्ति को क्षीण कर देता है, यानी उसका पुरुष तत्व क्षीण हो जाता है, जिसकी रात बिगड़ती है उसका दिन बिगड़ जाता है। सर्वप्रथम शुगर पुरुष की यौन शक्ति, पुरुष तत्व को क्षीण करता है। दूसरा, उसकी आई साइड को वीक करता है, मोतियाबिंद हो जाता है, एक लिमिटेड रेंज में बढ़ जाए तो ग्लाइकोमा हो जाता है, जिसका कोई निदान नहीं। शुगर आने से पैरों में जलन होने लगती है, पिंडलियों में अकड़न होती है, इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी कम हो जाती है। विषय इसके लक्षण की करें, अब उपचार की करें। ये लक्षण है, इससे होने वाली हानियां हैं। उपचार में आते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, होमियो में, यूनानी में, सिद्धा में, इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में हर जगह नहीं अवेलेबल है, क्यों, आधुनिक युगों में शास्त्रोक्त पद्धति से बनाई हुई औषधियों में उनकी शुद्धता की गारंटी नहीं रहती। जैसे
माँ के हाथ से चक्की की रोटी खा करके पुरुष पौष्टिक होता है और इलेक्ट्रॉनिक चक्की को खा करके वो कमजोर बन जाता है, क्योंकि जब वो बर्निंग होती है उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ऐसे ही जो हैंड मेकिंग मेडिसिन है, जो हाथों से बनाई जाती हैं, कूट पीस कर स्वनिर्मित हैं, उनका जो रिजल्ट मिलता है वो किसी और थेरेपी में नहीं मिलता। इनके पास निदान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें अभी पूर्ण रूप से डायबिटीज़ का रिसर्च ही नहीं है। हमारी तो चर्चा परिचर्चा ही बड़ी अजीबोगरीब रहती है, क्योंकि मैं सीधे आईने दिखाने की बात करता हूँ। डायबिटीज़ अनक्योरेबल माना गया है। मेडिकल साइंस कहती है डायबिटीज़ कभी परमानेंट हो नहीं सकती, क्योर। क्यों? क्योंकि उसके कारण का आपको पता ही नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट को कभी भी एंजाइटी की मेडिसिन देनी पड़ती है, ब्रेन टॉनिक कंपलसरी। इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी देनी होती है, डाइजेशन की मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि जब तक डाइजेशन सही नहीं होगा, मल त्याग नहीं होगा, आपका पेनक्रियाज कभी सक्रिय नहीं हो सकता। अगर किसी को लगता है स्वामी जी पाखंड फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, तो मेरा न्योता दे रहा हूँ आपको, WHO को भी दे रहा हूँ, मेडिकल एसोसिएशन को भी दे रहा हूँ, बड़े बड़े MD डॉक्टर्स को भी बुला, हमारी मेडिसिंस को आप यूज़ करिएगा। अगर उसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं पाए जाए तो हम आपकी हर पनिशमेंट भी सहेंगे। लेकिन अरे नीम हकीम खतरे जानो, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ तो मत करो, सही मेडिसिन दो। शुगर कहने में मीठा है, उसकी मीनिंग मीठी है, लेकिन अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तुरंत उसको ऑपरेट करना है, अगर शुगर बढ़ा है तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आई साइड का ऑपरेशन करना है, शुगर बढ़ा है तो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि शुगर के पेशेंट के बॉडी में अगर इंजरी है, जख्म बन गया है, तो जब तक शुगर का लेवल बैलेंस में नहीं आएगा तब तक इंजरी हीलिंग नहीं हो सकती, और धीरे धीरे वो गैदरिंग का स्वरूप बना लेती है और हड्डियों को बना। हम आज बात करेंगे हमारी फार्मेसी की, और आपके मेडिसिन की भी बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति में जो भी है हर चीज़ का अस्तित्व है, और किसी अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता जब तक उसके बारे में ज्ञात नहीं हो। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप किसी को ना तो नकार सकते, और जब तक आपके मन मस्तिष्क को संतुष्टि नहीं हो, आप उसे स्वीकार भी नहीं सकते। ये आपको क्या देते हैं डॉक्टर्स? ये आपको देते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल इंसुलिन आपको इंजेक्शन से दिया जाता है। कहा गया भाई 5 मिनट खाने से पहले आपको लगाना है, इतना ml लेना है, इतना ml लेना है, लेकिन डाइजेशन कहाँ से सही होगा? उसका ब्रेन का जो लार्वा कैसे सक्रिय होगा, क्योंकि टाइप 2 सेल्फ क्रिएटेड है। मानसिक तनाव कैसे दूर होगा उसका? इसलिए ब्रह्मांड आयुर्वेदा में हमने इसने 19-20 साल तक मेहनत करके, संत महापुरुषों की सेवा कर करके, दुर्लभ वनस्पतियों का संग्रह करके हमने उसको भी तैयार की। हम देते हैं डायबिटीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त करने का आवाहन। आइए एक बार अवश्य इस कंपनी की दवाइयों को लेकर के इस्तेमाल जरूर करिएगा, और रेट्स की भी चिंता मत करिएगा, क्योंकि जो मेडिसिन हम आपको देने जा रहे हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां 20,000, 10,000 और 18,000 की देखा करती हैं। नतीजा जब इनका सेल बढ़ जाता है तो इनकी शुद्धता की गारंटी नहीं रह जाती। ज़्यादातर फार्मेसी 84,000 फार्मेसीज का मेरे पास डाटा है भारत में, 84